नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये गुम्बद की तस्वीरें हैं, जहां पर जेएमसी की जो बिल्कुल नई बनाई हुई दीवार है वो भारी बारिश के कारण जो है कोलैप्स हो गई है। और आपको हम आप ये मलबा अगर आप देखें तो ये जो दीवारें हैं ये दीवारें अभी ताज़ा बनी है, 4 से 5 दिन हुए हैं इसका उद्घाटन हुए। और जिस तरह से लगातार जम्मू में बारिशों का मौसम चल रहा है उसके चलते ये जो बारिश जो है बारिश की वजह से ये दीवारें जो है कोलैप्स हो गई हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन दीवारों के बीच में सरिया ना होने के कारण ये लापरवाही है एक तरह की जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। और जिस तरह से ये दीवारें ढह गई हैं इनसे जानो माल का भी नुकसान हो सकता था। और इस समय जो है सुबह से यहाँ पर जो है बत्ती गुल हो चुकी है और काफ़ी देर से यहाँ पर जो है बत्ती गुल होने के कारण अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर काम जो है शुरू किया गया है। लोगों की बहुत सारी अप्रोच करने के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है और अब जो है यहाँ पर जेसीबी को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर जो पेड़ है जो और जो दीवार है जो कोलैप्स हो चुकी है उन्हें यहाँ से उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात ये है कि क्या इतनी लापरवाही, ये लापरवाही क्या सही है? जिस तरह से ये बिल्कुल नई बनाई हुई दीवार जो है कोलैप्स हो गई है भारी बारिश के कारण, जिसके कारण आम जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है और यहाँ पर बत्ती गुल होने की वजह से जो व्यापारी हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पे अभी काम चल रहा था इनका, ये दीवार दे रहे हैं पीछे से, और 4-5 दिन पहले राजेंद्र जी जो यहाँ के शहर के मेयर है उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है, लेकिन रात को बारिश के कारण एकाएक यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई और ये जो बन रही है ये सारा गिर गया और संभावना आगे भी सारी क्रैक आई हुई है तो मे भी ये सारा बिल्डिंग गिर जाएगा। इसमें इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक के पैसे हैं, इतना सारा पैसा जो सर पब्लिक का इसमें लगा हुआ है तो आखिर क्या कारण है कि अभी बनने के साथ साथ ही गिर रहा, यानी उद्घाटन भी हुआ है आगे काम भी चल रहा है और पीछे सारा गिर भी गया, तो आखिर ये क्या है इसकी जाँच होनी चाहिए। क्या ये जो दीवार कोलैप्स हुई है ये रात की हुई है या सुबह हुई? रात को बारिश से थोड़ा सा हुआ फिर ये लगातार गिर भी रहा है और आगे भी क्रैक है, वो आप आगे जाके देख सकते हैं वो भी सारा क्रैक पड़ा हुआ है, तो मे भी शायद आज रात को ये पूरा ना गिर जाए। तो ये काम सुबह से चल रहा है? हाँ, अभी जब ये था ना ट्रांसफार्मर उठा रहे हैं तो फिर और ज़्यादा मलबा आ गया, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, सुबह से हमारी बत्ती भी बंद थी, अभी इन्होंने चालू किया तार जोड़ के तो अभी बत्ती आई है कुछ इलाकों में। मैम ऐसा ही स्मार्ट सिटी की पार्किंग बन रही है यहाँ पे, तो इन्होंने हमारे ये मोहल्ले के ट्रांसफार्मर यहाँ 3 लगे हुए थे उनके पीछे कोई प्रोटेक्शन वाल इन्होंने पहले से लगाई नहीं है, जो अब नया जो प्रोजेक्ट बना है वो प्रोटेक्शन वाल जो है ऊपर से लगा रहे हैं तो उसका सारा वजन जो है वो ट्रांसफार्मर के पीछे जो पहाड़ी थी उस पर हो गया, तो उसकी वजह से रात को बारिश बहुत आई है तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा पहाड़ हमारे ट्रांसफार्मर जो मोहल्ले के थे उस पर आ गया जी, तो सारे मोहल्ले की लाइट आज सुबह से 5 बजे से बंद है, हम सब लोग परेशान हैं। ये हम राहुल यादव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका संज्ञान लें और इनको अच्छी तरह से काम करने के लिए बोला जाए, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है इसको अच्छी तरह से बनाया जाए। थैंक यू। तो सर ये आप जेसीबी की कब से आई है? जेसीबी दोपहर से काम लगे हुए हैं, वर्कर सारे पीडीडी डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, उन्होंने 2 ट्रांसफार्मर उठा के ले गए हुए हैं, अभी तीसरा लाया है उन्होंने, लेकिन उनको अभी जगह नहीं मिल रही है ट्रांसफार्मर लगाएं गाँव पे, पूरा का पूरा ये कोलैप्स हो गया है तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं मिल रही, इसकी वजह से पावर शटडाउन लिया हुआ तो सुबह से लाइट बंद है, सारे लोग परेशान। तो ये जो हादसा हुआ ये रात से हुआ या सुबह हुआ? तकरीबन 5-6 बजे के बीच में हुआ है मैम, तब से लाइट बंद है। इस तरह की लापरवाही जो है आम जनता के लिए या जानो माल के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।